नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आजमगढ़ से होने वाले लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को मैदान में उतारने जा रही है, जिसके लिए खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मैदान तैयार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि अखिलेश यादव यूपी विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और अभी तक सपा की तरफ से किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन चर्चा है कि इस सीट पर सपा अध्यक्ष अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को एक बार फिर आजमगढ़ दौरे पर है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का पिछले 5 सालों के अंदर ये आजमगढ़ का दूसरा दौरा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी के लिए आजमगढ़ में जमीन तैयार कर रहे हैं और वो स्थानीय नेताओं से उनका रुक जाने की कोशिश करेंगे। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और विधानसभा चुनाव में पार्टी ने यहां पर सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। आजमगढ़ पहुंचने के बाद अखिलेश राज्य के पूर्व मंत्री रामासुरे विश्वकर्मा और पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव के घर जाएंगे और आजमगढ़ की हवा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है और अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। राज्य में इस बात की चर्चा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को उपचुनाव में मैदान में उतार सकते हैं। डिंपल यादव कन्नौज सीट से लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। आपको बताते चले कि आजमगढ़ की लोकसभा सीट से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही सांसद थे और मैनपुरी की करहल विधानसभा से जीतने के बाद उन्होंने आजमगढ़ के सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सपा ने इसी सीट पर किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन सियासी अटकलें हैं कि सपा अध्यक्ष अपनी पत्नी को इस सीट से मैदान में उतार सकते हैं। असल में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने परिवारवाद से बचने की कोशिश की थी और परिवार के ज्यादातर सदस्यों को टिकट नहीं दिया था। बता दें कि आजमगढ़ सीट में अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव सांसद थे। सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अखिलेश ने जिले के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों का मन टटोलने की कोशिश करी है, क्योंकि अखिलेश यादव इस सीट पर डिंपल यादव को लड़ाना चाहते हैं और स्थानीय स्तर पर किसी तरह की बगावत नहीं चाहते हैं। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ में पार्टी के कई नेताओं ने डिंपल यादव को मैदान में उतारने को लेकर अपनी रजामंदी दे दी। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में सपा के नेता अबू आजमी ने कहा कि वो आजमगढ़ उपचुनाव के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस मामले में उनके मालिक अखिलेश यादव ही कहेंगे। ये एक तरह से अखिलेश यादव पर अबू आजमी ने तंज किया था। ऐसे में अखिलेश की कोशिश होगी कि सभी नेताओं का मन टटोल कर सभी के रजामंदी से कोई ऐसा उम्मीदवार इस सीट पर उतारे जिसको पार्टी के सभी नेताओं का समर्थन प्राप्त हो। इस रिपोर्ट में मेरे साथ ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।